subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. तो आपको इसको किस तरीके से लगाना है? सबसे पहले आपने क्या है कि हल्का सा आंखों के ऊपर कोई शेडो जरूर होना चाहिए। अच्छा। बगैर शेडो के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्राइट, मैं चाहता हूं कि मैं पिंक कलर लगाऊं आंखों पे। सही है? हाँ। पिंक आई शेडो लिया मैंने, तुम मुझे दे दो ना, मैं पकड़ के। नहीं, ये मैंने पिंक आई शेडो लिया, सिर्फ इस तरीके से मैंने पूरी लिड पे लगा लिया, हाथ से ऊपर तक। एंड मेक श्योर करें सॉकेट लाइन्स के अंदर अंदर है और सिर्फ स्प्रेड हो रहा हो हल्का हल्का सा बाहर। हाँ। ताकि आंख खुली भी लगे। और देखिए, हम ब्रशेस वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, मतलब लाइक खुद ही कर लिए। दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से आपने लगा लिया। हाँ। क्विकली ब्लेंडिंग, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आप फिंगर से कर सकते हैं ना, कोई ब्रश। अच्छा, उसके बाद सी ये ब्लेंड कर लिया। अच्छा, आसान तरीका लाइनर लगाने का आपने सबसे पहले करना है, जो लाइनर लोगों को मुश्किल होती है लाइनर लगाने के लिए। सो इसकी जो टिप है बेस्ट है। सो आपने पहले एक डॉट आपने इधर डालना है। आपको गाइडलाइन ले लेनी है, जो लोग मस्कारा लाइनर लगाते हुए जिनको मुश्किल होता है, सबसे पहले वो एक गाइडलाइन लेंगे। इधर एक टिक डाला। जब हम लिखना सीखते हैं, ये मुझे डॉटेड आया है, डॉटेड अल्फाबेट्स पे लिखते हैं, उसी तरह लाइनर का। एक टिक आपने इधर लगाया, एक टिक आपने इधर लगाया, ठीक है। और अब इस टिक को फॉलो करते हुए आराम आराम से लैश के साथ जोड़ दें, बस जोड़ दें इसको। यस, उसके उस पॉइंट इवन आ जाता है। आइडिया बड़ा अच्छा है ये वैसे, इस तरीके से करके। मैं हमेशा अच्छा शायस्ता थी कि नहीं मुझे नहीं बिल्कुल लाइनर नहीं लगाए, तो आज बेचारी कह लगी लगवा रही है, तो अपनी प्रोडक्ट का जरूर लगवाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ शायस्ता, जैसे ये पूरी किट है, तो अगर किसी को अकेले सेपरेट जो लाइनर एक्सप्रेशन ये खरीदना हो, या जो मस्कारा है। हाँ बिल्कुल, लश्कारा नाम है उसका, लश्कारा। हम बहुत, हम पाकिस्तानी ब्रांड है कम्प्लीटली, हमें कोई अंग्रेजी ब्रांड नहीं, लश्कारा है हम। तो ये सब चीजें अलग अलग भी मिल सकती है? बिल्कुल अलग अलग लूज में बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट ऑर्डर हम लेते हैं, और जाहिर है इंस्टा के पेज पे, और नंबर्स, हमारी एडवाइजरी सर्विस है एक्चुअली। अच्छा। और उसमें आप जब कॉल करते हैं या आप उनसे चैट करते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि आपकी डिमांड क्या है, चाहिए क्या, आपकी स्किन कैसी है, क्या है, उसके मुताबिक वो आपको आगे एडवाइस करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी, ये हमने एक लाइन नीचे देखो, हमने एक स्लांट लाइन खींच ली है। अच्छा, ये मैंने, ये उतरता भी नहीं है। अच्छा, ये पहले का नहीं, नहीं। अगर आपको अगर उतारना है तो आप किसी क्रीम के साथ इसको फौरन भी उतार सकते हैं। ओके, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट बात, इसको हम ब्लेंड नहीं कर सकते होंगे ना? नहीं, अगर ये वाटरप्रूफ है, फौरन ब्लेंड, अगर फौरन लगा के हम करें तो हम फौरन बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। आप, लेकिन आपको उसके लिए क्विकली आपके पास एप्लीकेटर या ब्रश होना चाहिए। ओके, ठीक है, सही। उसके बाद हमें लश्कारा चाहिए। ओके, लश्कारा मुझे मिल जाएगा, लश्कारा इसके अंदर है ना? इसके अंदर है, ठीक है। लश्कारा मैं लेता हूँ, और पहले एक साइड कर लेता हूँ, दूसरी साइड में बाद में करूंगा उसी एप्लीकेशन से। लेकिन देखिए कितनी इजी, वाजिद ने बता दिया कि आपने तीन डॉट लगाए, उसको मिला लिया, तो उसका पूरा लुक ये लाइनर बड़ा मुश्किल है भाई लगाना। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमने नया मस्कारा, बार बार 50 दफा मैंने आपके शो में बताया कि हमारा मस्कारा जो होता है ड्राई हो जाता है। ड्राई क्यों हो जाता है? जब आप यूं करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर हवा चली जाती है, हवा जाने की वजह से आपका मस्कारा सूख जाता है। तो जब भी आपको मस्कारा निकालना है तो आपको इस तरीके से करके निकालना है, आपको मस्कारा ऐसे निकालना है, और ताकि आपका मस्कारा ड्राई ना हो। हमारी लैशेज, हम बहुत ज्यादा मस्कारे की एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन लैशेज नहीं लंबी लगती, थिक नहीं लगती। तो मस्कारा लगाने का जो सही तरीका, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो टिप्स होती है, टिप्स के ऊपर आप पहले ऐसे करके लगा लें, पूरी आंखों पे नहीं, पहले आप टिप पे लगा लें, एक कोट आप टिप पे कर लें। ओके, ठीक है। एंड मेक श्योर करें ये जब ड्राई होने लगे तो फिर पूरी आईलैश पे लगाएं, मतलब ताकि डबल कोट नहीं, फॉरन नहीं। आप फॉरन लगाते हैं तो दूसरा वाला क्या होता है, वो उसमें ब्लेंड होकर उतर जाता होता है। तो मेक श्योर करें कि जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे फिर दूसरी एप्लीकेशन करें, ताकि वो एक थिक लुक आए। ठीक है, मैं दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से लगा देता हूँ। पहले सिर्फ टिप्स पे पहले लगाया, टिप्स से पहले लगाया, टिप्स पे। लेकिन इसका मैं ये बता दूं कि ये आपका इसलिए ड्राई नहीं होगा कि अगर आप इसके साथ एक आई केयर सीरम है, एक आई केयर सीरम है हमारा, जो कि आपके डार्क सर्कल्स यानी हल्के जो हो जाते हैं आपके, आपकी रिंकलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है आई के नीचे भी, आई के ऊपर वाले ऑर्बिट पे भी, वो और आई लैश को भी थिक करता है, तो वो साथ में ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर ये आपका लश्कारा आपने लिया है, उसमें आप 3-4 ड्रॉप्स वो मिला लें बिफोर एवरी एप्लीकेशन,
तो वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर भी आएगा और वही उसके बाद रात को आप वही वाला सिरम जो है नॉट लश्कारा में डला हुआ जो सिरम बॉटल है आपकी वही आप पूरे आई के इर्द गिर्द लगा सकते हैं और अपनी लैशेस पे भी लगा सकते हैं। आईब्रोज बहुत लोगों के थिन हो जाती हैं, कभी कभी चली बिल्कुल जाती हैं, तो वो आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। ओके, अब क्या है कि वो मुझे लगता है वो हल्का सा ड्राई हो गया। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से पूरी आंख के ऊपर। ये अच्छा आइडिया मस्कारे का ना, ये वाजे तुम मैं हैरान हूँ तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो तुमने नई बात बताई है मुझे। सी डिफरेंस देखेंगे दोनों में। हाँ वो बिल्कुल एक आंख खुली खुली नजर आ रही है, खुली नजर आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि लैश लगाई है। दिस इज द बेस्ट मस्कारा। अच्छा मजे की बात ये है कि एसएल बेसिक्स में आपको आपको लश्कारा भी मिल गया और फिर आंख का ख्याल कैसे करना है वो सिरम भी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अगर मेकअप नहीं लगाते तो आप क्लेंजिंग नहीं करेंगे। इसीलिए स्किन जो है उसका राज बेसिकली यही है कि आपकी स्किन केयर रूटीन रोज थोड़ा 5-10 मिनट आपने देने हो गया। ये तुम ये हो गया।